तो AMD Ryzen 3rd generation आ चुकी है और आई एम श्योर कि यार आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर ऑलरेडी देख ली होगी, लेकिन ये वीडियो यार थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास ऑलरेडी यार Ryzen का कोई सा प्रोसेसर है, फर्स्ट जनरेशन का या सेकेंड जनरेशन का है, तो क्या आप लोगों को इसको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। इस चीज़ के बारे में यार काफ़ी सारे लोगों ने बात नहीं करी है, तो आइए चलिए जानते हैं इसी वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए यार फटाफट से अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल की बात करी जाती है यार PC रिलेटेड कंटेंट के बारे में, तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज में तो फटाफट से यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में दबाओ बेल आइकन को ताकि मैं फ्यूचर में यार जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए यार फटाफट से अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी यार एक Ryzen का प्रोसेसर है तो क्या आप लोगों को अपग्रेड करना चाहिए Ryzen की 3000 सीरीज के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने दूसरे लोगों की वीडियोस में भी चेक करा होगा और मैंने खुद आप लोगों को बताया था कि यार जो Ryzen की 3000 सीरीज ये जो आई है मार्केट में, ये बहुत ही ज्यादा यार तहलका मचाने वाली है और इसने मतलब काफी ज्यादा अच्छा काम करा यार AMD ने, चाहे हम बात करें गेमिंग की या फिर प्रोडक्टिविटी वाले काम की। तो अब बात करते हैं कि यार क्या आप लोगों को अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं इतने सारे फायदे होने के बाद भी। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको मिनिमम पैसे खर्च करने हैं ना Ryzen की 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर को, प्रोसेसर को बाय करने के लिए, जो Ryzen की 3000 सीरीज आई है वो 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर के ऊपर आई है, तो आपको मिनिमम Ryzen 5 3600 को बाय करना पड़ेगा, जो कि आपको चीपेस्ट ऑफ द चीपेस्ट 17,000 रुपीज का देखने को मिलेगा मार्केट में। और 17,000 रुपए हर कोई कम नहीं होते हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि यार आप लोगों के पास है पहले से एक Ryzen 5 1600 या फिर Ryzen 5 2600, भले ही Ryzen 5 फर्स्ट जनरेशन का हो या फिर सेकंड जनरेशन का हो। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपके पास AM4 सॉकेट के ऊपर बेस पहले से कोई प्रोसेसर है और वो Ryzen 5 का 1600 है या फिर 2600 है, और आप अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो Ryzen 5 के 3600 के ऊपर, जो कि मिनिमम आपको 17,000 रुपीज़ का देखने को मिलेगा, तो यार वो इतना ज़्यादा कोई अच्छा खास अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि यार 17,000 रुपये इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना वो भी एक CPU के ऊपर, और इतना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस में अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको अपग्रेड करना ही है अपने Ryzen 5 के 2600 से या फिर 1600 से, तो मिनिमम आप जो है Ryzen 7 के 3700X के साथ, वो आपको बेटर कोर्स और बेटर ज़्यादा आपको थ्रेड्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे, बेटर फ्रिक्वेंसीज देखने को मिलेंगी, बेटर कैश मेमोरी देखने को मिलेगी और बेटर आपको पूरी की पूरी यार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी उसके साथ। ऐसे ही अगर आपके पास पहले से यार Ryzen 7 है और वो अगर फर्स्ट जनरेशन का या सेकंड जनरेशन का, तो थर्ड जनरेशन Ryzen 7 पे अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। अपग्रेड करना है तो Ryzen 9 पे करो मिनिमम, ज्यादा कोर ज्यादा थ्रेड्स वही वाली बात हो गई, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो अगर Ryzen 5 का पहले से है तो Ryzen 5 की थर्ड जनरेशन लेने का कोई फायदा नहीं, और Ryzen 7 पहले से तो Ryzen 7 की थर्ड जनरेशन लेने का कोई फायदा नहीं है। फायदा सबसे ज्यादा पता है किन लोगों को होगा? फायदा होगा यार Ryzen के 3 1200, थोड़ा ज्यादा हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दी, Ryzen 3 1200 है जिनके पास, अगर वो अपग्रेड करते हैं मिनिमम ऑफ द मिनिमम अगर हम देखें तो Ryzen 5 का 3600, किसी ने अगर पहले बजट का PC बिल्ड किया था और उसमें लगाया था Ryzen 3 का 1200 और अगर अब वो अपग्रेड कर रहा है Ryzen 5 की 3600 के ऊपर, तो भाई बहुत ही ज़्यादा सॉलिड आपको परफॉर्मेंस के अंदर जंप देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं APU वालों के बारे में, जिन्होंने पहले PC बिल्ड किया था APU वाला 2200G के ऊपर या फिर 2400G के ऊपर, और अब आप जानना चाहते हो Ryzen के 3000 सीरीज के साथ। तो देखो भाई, Ryzen के जो नए वाले APUs हैं 3200G या फिर 3400G, उनके ऊपर अपग्रेड करने का भाई कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज किया गया है, वो भी सिर्फ 100 MHz से। उस चीज से कोई इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में, ठीक है, बस 2-4-5-6 FPS का फर्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इससे तो अच्छा जो APU वाले आप पैसे डालोगे, इससे तो अच्छा यार एक डिस्क्रीट GPU बाय कर लो और अपने पुराने वाले APU के साथ में एक डिस्क्रीट GPU लगाओ और परफॉर्मेंस को एंजॉय करो, साथ मतलब ग्राफिक कार्ड ले लो यार उन्हीं पैसों में, आपको ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और जो लोग अपग्रेड करेंगे 2200G या फिर 2400G से किसी CPU के ऊपर, APU की बात नहीं कर रहा, CPU के ऊपर Ryzen 5 के 3600 के ऊपर, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा डिसीजन होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है साथ में GPU भी आप लोगों को लेना पड़ेगा, तो पैसे है तो कर लो यार अपग्रेड। तो मेरे पास यार बहुत सारे सवाल आ रहे थे इस चीज़ के बारे में, आई होप कि यार आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि क्या आप लोगों को अपग्रेड करना चाहिए पहले। अगर आपके पास कोई प्रोसेसर था AM4 सॉकेट वाला, तो आप लोगों का उसका आंसर मिल चुका है। बस दोस्तों यार फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो पसंद आते वीडियो को जरूर से यार लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। मैं मिलूंगा यार आपसे एक और नई वीडियो में यार, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।